हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस अंकिता सो और कैसे किया जाता है? So, उसी वीडियो पर आज का ये टॉपिक रहेगा एंड इवेलुएन के टाइप्स में से हंड्रेड परसेंट दो से तीन क्वेश्चन आते ही है तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस वीडियो को अच्छे से एंड तक जरूर देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स भी हमने लॉन्च किया है जो कि एग्जामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से ही प्रिपेयर किया गया है यहां पर हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं साथ ही एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की भी श्योरिटी देते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स मिलेंगे

एक ही बार फीस देनी है टू थाउजेंड रुपीज फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड करना स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है इसके ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करते ही आप यहां पर देख सकते हो फ्री डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहां पर आपको थ्योरी लेक्चर्स एमसीक्यू लेक्चर्स एंड टेस्ट मिल जाएंगे ये बेस्ट कोर्स है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एंड इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ और पेपर वन में पढ़ने की जरूरत नहीं है इस बात की मैं आपको श्योरिटी देती हूँ सो गिवन नंबर पर भी कॉन्टेक्ट करके आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो

फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक नॉम्ड रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस। ये जो छे, ये जो ये टाइप्स के आपके पास सिस्टम्स हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके पास एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया होगा या फिर कोई सिचुएशन दी होगी एंड आपको बताना होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने है तो उस समय पे आप लोग कौन सा इवेल्युएशन का टाइप यूज करोगे ठीक है सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाती हूँ ये क्वेश्चन जो है ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें देख सकते हो आप एक फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन है समेटिव है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है एंड रेफरेंस की की बात गई है एंड फोर डेफिनेशन है बिल्कुल बेसिक सी लाइन यहाँ पे दी गई है स्टेटमेंट्स दी गई हैं तो आपको क्या करना है आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है अब इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी इस वीडियो में ये सारे टाइप्स हम डिस्कस करेंगे आप उसको अच्छे से समझिएगा एंड फिर वीडियो के एंड में वापस इस क्वेश्चन पे आकर के आप उसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे वहीं पे मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है राइट right? सो so, सबसे पहले बात करते हैं प्लेसमेंट इवेल्युएशन की यानी कि प्लेसमेंट मूल्यांकन प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है आप लोगों ने कॉलेजेस वगैरह में देखा होगा कि कॉलेज में हमारा फाइनल सेमेस्टर जब चलता है तो प्लेसमेंट होती है स्टूडेंट्स की राइट right? ऐसा होता है ना इसका मतलब ये है कि किसी पर्सन की स्किल्स उसके नॉलेज उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको बिल्कुल राइट right जगह पे प्लेस करना दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट इवेल्यूएशन द पर्पज ऑफ प्लेसमेंट इवेल्यूएशन इज टू चेक द एप्टीट्यूड ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द कोर्स और सब्जेक्ट वेदर द कैंडिडेट हैज कैलिबर और नॉट राइट जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई अकाउंटेंट की पोस्ट है दूसरा यहाँ पे सिंपल कुछ ड्राफ्ट से रिलेटेड काम करना है उसकी पोस्ट है तीसरी डिजाइनिंग की पोस्ट है सो जो पर्सन में स्किल्स होंगी कि वो डिजाइनिंग अच्छी कर सकता है हम उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट इवेल्युएशन राइट right? सो so, जो टी, जो स्टूडेंट हमें लगेगा जो हमें लगेगा कि ये टीचिंग में अच्छा जा सकता है तो हम उसको यही सजेस्ट करेंगे कि आप टीचिंग में आगे अपना करियर बनाइए जिनको नहीं पता नॉलेज बहुत है डिजाइनिंग का लेकिन वो नहीं कर सकते तो उसको हम उस जगह पे प्लेस करेंगे दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट इवेल्युएशन इट डिटरमाइंस द नॉलेज एंड स्किल्स द स्टूडेंट्स पॉजेसिस विच आर नेसेसरी एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ गिवन सब्जेक्ट एरिया ठीक है, ये छात्रों के ज्ञान और कौशल को निर्धारित करता है जो किसी दिए गए विषय क्षेत्र में शिक्षा की शुरुआत में आवश्यक है यानी कि किसी भी कोर्स में जब आप जाते हो कहीं में भी आप जाते हो कोई भी स्किल आप सीखने जा रहे हो तो सबसे पहले वो शुरू हो उससे पहले ये चीजें आपको बता दी जाती है राइट देट इज कॉल्ड प्लेसमेंट वैल्युएशन अब नेक्स्ट टाइप है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये देखा था एंड हर साल इससे क्वेश्चन आता ही है किसी ना किसी सीरीज में ये है फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन सो फॉर्मेटिव को इंटरनल इवेल्युएशन भी बोला जाता है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा एक स्टेटमेंट यही है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल इवेल्युएशन इट इज अ मेथड फॉर जजिंग द वर्थ ऑफ अ प्रोग्राम वाइल द प्रोग्राम एक्टिविटीज आर इन प्रोग्रेस

टॉपिक में मान लीजिए अभी तक टीचर ने सिर्फ इंट्रोडक्शन दी उसके बाद टीचर ने क्या किया आपसे पूछ लिया कि इस इंट्रोडक्शन को जो भी मैंने बताया सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो ठीक है दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या फिर क्लास के एंड में टीचर किसी एक स्टूडेंट से पूछेंगे कि आज हमने क्लास में क्या पढ़ा उसको फटाफट से एक समरी के रूप में फटाफट से उसको शॉर्ट में बता दो ये होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इससे इससे क्या पता चलता है इससे टीचर टीचर को को साथ साथ में ही एक टीचर, एक स्टूडेंट इवैल्यूएट करते हैं इसमें एक टीचर को साथ साथ में ही पता चलता रहता है कि एक स्टूडेंट अच्छे से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है इससे यह भी फायदा होता है कि अगर एक टीचर को लगता है कि अपना टीचिंग स्टाइल उनको चेंज करना है ये स्टूडेंट का इंटरेस्ट इस तरह से नहीं मैं गेन कर पा रही हूँ वो चीजें चेंज करनी है तो इस तरह का इवेल्युएशन ये सब चीजें चेंज करने में एक टीचर की और एक स्टूडेंट की बहुत हेल्प करता है सो so, इस तरह का मेथड हमेशा प्रोसेस पे फोकस करता है स्टूडेंट विद फीडबैक रिगार्डिंग हिज और हर सक्सेस और फेलियर इन अटेनिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इसमें एक स्टूडेंट को पूरा अधिकार होता है कि वो जज कर सके वो फीडबैक दे सके जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ठीक है मान लीजिए ये ऑफ ऑफलाइन क्ला, क्लास चल रही है तो एक स्टूडेंट को पूरा अधिकार होता है कि वो टीचर को बता सकते हैं कि आज का लेक्चर हमें समझ नहीं आया आप अपना पढ़ाने का तरीका चेंज कीजिए या फिर एक स्टूडेंट एक टीचर को ये बोल सकता है कि नहीं ये टॉपिक ही हमें समझ नहीं आया आप इसको कल फिर रिपीट कीजिए तो ये सब होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में कि साथ के साथ ही हम हर एक चीज को इवेल्युएट कर सकते हैं आई so होप ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है फॉर्मेटिव फॉर्मेटिवेशन में इसके अलावा कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता सो so जो भी मैंने स्क्रीन पर लिखा है जो भी मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दी है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ आई होप वो सब आपने नोट कर ली होंगी एंड इसके अलावा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में ये मैं आपको गारंटी देती हूँ अब ये जो क्वेश्चन है ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है इन ऑर्डर टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड टू मॉडिफाई टीचिंग अकॉर्डिंगली द बेस्ट मेथड ऑफ इवेल्युएशन इज स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना यानी कि उन पर निगरानी रखना एंड एक टीचर की टीचिंग को मॉडिफाई करना यानी कि चेंज करना स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टाइम uh, के अकॉर्डिंग चैप्टर के के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग किसी भी चीज एक टीचिंग में मॉडिफिकेशन लाना इसके लिए कौन सा इवेल्यूएशन का मेथड बेस्ट होता है ठीक है ऑप्शंस इस तरह से गिवन थे आपको पता ही होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के बारे में बात दैट इज रचनात्मक मूल्यांकन राइट सो आई होप यहां तक आप लोग बिल्कुल समझ चुके हो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को निर्मा निर्माणात्मक मूल्यांकन भी बोला जाता है एंड रचनात्मक मूल्यांकन भी बोला जाता है अब यहाँ पे नेक्स्ट जो कि टाइप है समेटिव इवेल्युएशन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मैंने बताया आज की पूरी ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सो समेटिव इवेल्युएशन ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल इवेल्युएशन समेटिव एंड फॉर्मेटिव दोनों साथ में काम करते हैं इस तरह से आप याद रखिए ठीक है एक्सटर्नल इवेल्युएशन बोला जाता है एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया बाहर ठीक है इंटरनल का मतलब था अंदर यानी कि क्लास में कोर्स के साथ साथ अंदर के अंदर ही हम इवेल्युएशन करते हैं अब ये एक्सटर्नल इवेल्युएशन आ गया यानी कि बाहर आ गया तो इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं पूरा एक कोर्स हो गया पूरा एक सेमेस्टर हो गया उसके बाद एक ही बार स्टूडेंट्स को इवेल्यूएट किया जाएगा उनके स्कोर के बेसिस पे चाहे उन्होंने क्लास में डेली कुछ भी किया हो, आए हो, नहीं आए हो, अटेंडेंस मतलब अटेंटिव हो या नहीं हो कोई मैटर नहीं करती ये चीजें बस फाइनल जो एक बार इवेल्युएशन होगा उसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स को जज किया जाता है समेटिव so, को एक्सटर्नल इवेल्युएशन बोला जाता है एंड दिस इवेल्युएशन इज अ मेथड ऑफ जजिंग द वर्थ ऑफ अ प्रोग्राम एट द द एंड ऑफ प्रोग्राम एक्टिविटी बिल्कुल एंड में फाइनल एग्जाम याद रख लो बहुत इजीली समझ जाओगे फोकस इज ऑन द आउटकम फाइनल हमारा रिजल्ट क्या आया है ये इंपॉर्टेंट है डेली चाहे क्लास में कोई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता हो नहीं करता हो अच्छे से रिस्पॉन्स करता हो नहीं करता हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, final result important है क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि क्लास में जो टीचर डेली क्वेश्चन पूछते वो उनको नहीं आते बिल्कुल जीरो रहते हैं वो लेकिन जो फाइनल एग्जाम होते हैं उसके लिए वो इतनी अच्छे से तैयारी करते हैं कि वो टॉप भी कर सकते हैं राइट दिस इज कॉल्डिवेल्यूएशन

राइट सो आई होप समेटिवेशन आप समझ चुके हो डेली बेसिस पे कुछ नहीं होता डेली स्टूडेंट्स कुछ भी करें बस फाइनल जो आउटकम है फाइनल जो रिजल्ट रहा है अब यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो फॉर्मेटिव एंड समेटिव में आप लोग अकर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस क्लास के बीच में अकर्स एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस इसी तरह की स्टेटमेंट्स एग्जाम में दी होती हैं एंड आपको बताना है कि कौन सी फॉर्मेटिव है कौन से समेटिव है नेक्स्ट है अलाउस टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू पाइवोट देयर स्ट्रेटजीज, प्रोवाइड अ फाइनल इवेल्युएशन यानी कि इसमें क्या होता है टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही एक चांस मिलता है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करें और बेहतर बनाएं लेकिन इसमें फाइनल इवेल्यूएशन लास्ट में ही होती है कि कॉन्सेप्ट का कितना नॉलेज है आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट चांसेस होते हैं कि इम्प्रूव कर सके वो सेशन के एंड तक गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू इम्प्लीमेंट फीडबैक हाई स्टेक्स टेस्टिंग दैट ऑफन एन इन्वॉल्व रैंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें फाइनल रैंकिंग के बेसिस पे ही हर एक चीज प्रेजेंट की जाती है सो आई होप यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट जरूर अगर कोई डाउट है तो कॉमेंट अभी कर दीजिए उसके बाद ही फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाइएगा एंड अभी तक अगर सब कुछ क्लियर है तो मुझे कॉमेंट कीजिए ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मेटिव का ही एक डेफिनेशन है इसमें पूछा गया था कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग एंड इसका रीजन बताया गया था एज अगेंस्ट समेटिव समेटिवेशन फॉर्मेटिव इवेलुएशन इज हाईली रिलायबल इसमें बोला गया है कि समेटिव के कम्पेरिजन में फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है वो हाईली रिलायबल होती है यानी कि अत्यधिक विश्वसनीय होती है इसमें पूछा गया था कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है तो राइट आंसर आपके सामने है कि स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट इसका जो रीजन है वो फॉल्स बताया गया है ठीक है इसकी असर्शन बिल्कुल ट्रू है दावा बिल्कुल सही किया गया है लेकिन इसका कारण जो है वो गलत है नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक डायग्नोस करना किसी चीज का सॉल्यूशन यहाँ पे हम नहीं देते बस उस चीज को डायग्नोस करते हैं अब जैसे मान लीजिए मैं किसी डॉक्टर के पास गई डॉक्टर ने कोई बीमारी वहां पे ढूंढ दी मेरी बॉडी में दैट इज कॉल्ड डायग्नोस उन्होंने डायग्नोस किया वहां पे लेकिन उन्होंने उसका इलाज नहीं किया अभी तक

इवेल्युएशन दट इज नैदानिक मूल्यांकन ठीक है अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है नॉम्ड रेफरेंस एंड उसके बाद आता है क्राइटेरियन रेफरेंस तो नॉम रेफरेंस की बात करें नॉम का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था रूल्स कोई मानदंड यहां पर क्रिएट कर दिया गया है स्टूडेंटॉर्मेंस अगेंस्ट द परफॉर्मेंसर्सिम रेफरेंस में जिसमें कैपेबिलिटी उसका टैलेंट बाकी के स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया जाता है ठीक है जैसे जनरली स्कूल में ये चीजें बहुत बोली जाती होंगी आपने भी सुना होगा ये रहता था कि आ, देखो आपके साथ वाला फ्रेंड बहुत इंटेलिजेंट है आप क्यों नहीं पढ़ते ये क्या हो गया नॉन रेफरेंस डिशन हो गया एक स्टूडेंट को उसके साथ वाले दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है आप लोग अगर कहीं जॉब करते हो तो वहां पे आपके परफॉर्मेंस को भी बहुत बार इस तरह से इवेल्युएट किया जा रहा होगा दैट इज कॉल्ड नॉन रेफरेंस ठीक है इट मेक्स कंपेरिजन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि जहां पे भी एक पर्सन का दूसरे के साथ कंपेरिजन हो रहा है दैट इज नॉन रेफरेंस this type of test results are compared to the results of a similar group of people and testers are ranked in relation, relation to other testers wahi cheezein hai jo maine batai Test then compare the learners performance ussi ke sath compare kiya jayega kisi bhi basis pe comparison ho sakta hai and to develop a norm reference test the test developers select a statistically relevant group of individuals and administer the टेस्ट आइटम्स ठीक है सो यहाँ पे किसी भी बेसिस पे जैसे अब ये लड़की अलग से है यहाँ पे इसको हो सकता है कि इनके फाइनल स्कोर के बेसिस पे कंपेयर किया गया हो या फिर ऐसा हो सकता है कि ये बाकी के सारे बहुत अच्छे डांसर्स हैं ये लड़की अच्छा डांस नहीं कर पाती तो इस बेसिस पे उनको कंपेयर किया गया हो कोई भी मैटर हो सकता है कंपैरिजन का राइट right? सो so, अब बात करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस की इसमें देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा कई बार क्रिएट हो जाता है तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ यहाँ पे नॉन रेफरेंस में किसी भी चीज को लेकर के कंपेयर किया जा सकता है लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है एक मानदंड एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है अब जैसे मान लीजिए मैंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि जो भी अच्छे डांसर्स हैं वो इस रो में आ जाएं तो एक मैंने ये क्राइटेरिया सेट कर दिया या फिर मैं ये बोल सकती हूँ जिस भी स्टूडेंट का स्कोर 80 प्लस है आउट ऑफ 100 80 प्लस जिसने भी स्कोर किया है वो इस रो में आ जाए ठीक है या फिर उनको मैं स्कॉलरशिप देने वाली हूँ तो ये क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दिया क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मेजर टेस्ट टेकर्स परफॉर्मेंस कंपेयर टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया यहां पे किसी दूसरे के साथ उसको कंपेयर नहीं किया जाता बस एक मानदंड सेट कर दिया जाता है अब उस मानदंड को सेटिस्फाई करने के लिए चाहे एक स्टूडेंट हो चाहे पचास हो चाहे पांच सौ हो हमने बस वो मानदंड सेट कर दिया ठीक है हमने जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बताती हूं अब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट को मैंने बोला कि अगर आप एटी स्कोर करोगे या फिर मैंने स्टूडेंट को इस तरह से बोल दिया कि अगर आप आपके क्लासमेट से ज्यादा स्कोर करोगे तो आपको मैं क्लास मॉनिटर बना दूंगी इसका मतलब क्या हुआ मैंने इस लड़की को बोला कि ये लड़के के साथ मैं आपको कंपेयर कर रही हूँ कि अगर इससे ज्यादा नंबर लेकर के आ गई तो मैं क्लास मॉनिटर बना दूंगी नहीं लेकर आई तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस के केस में क्या होता है मैंने ये कंडीशन रखी थी कि हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड जितने भी स्टूडेंट्स लेकर आएंगे वो सब एक्टिव रहेंगे वो सब क्लास मॉनिटर हो जाएंगे वो सबको मैं स्कॉलरशिप दूंगी उसमें फिर चाहे एक स्टूडेंट आए चाहे पचास आए चाहे एक भी ना आए ये कोई इश्यू नहीं होता ठीक है सो क्राइटेरियन रेफरेंस कंपेयर द टेस्टर्स परफॉर्मेंस टू नॉलेज सो so, सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने जो चीजें आपको बताई है आप सर उन्हीं को याद रखिए राइट right? इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन की बात की गई है इस तरह का क्वेश्चन जनरली पूछा तो नहीं जाता फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिए सो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं हमें बताना है कौन सी करेक्ट है सो बी सी एंड डी ठीक है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव ये दो टाइप्स नहीं है ये एक ही टाइप है ठीक है दोनों नाम ही ऐसा इसका सो so, ये क्या करता है मार्क्स को ग्रेड से इसने कन्वर्ट कर दिया इट इवेल्युएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे इवेल्युएट किया जाता है ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट अगर मैथ में अच्छा है एंड म्यूजिक में नहीं अच्छा है तो बस उसको बोला जाएगा कि आप तो बेकार हो आप बस मैथ करो म्यूजिक छोड़ दो ऐसा नहीं है हर एक चीज को इक्वल लेवल पे रख के यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट को कंपेयर किया जाता है इवेल्युएट किया जाता है फोबिया होता है, 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 क्या -क्या है, तो है परीक्षा का जो भय होता है वो कम करने में स्टूडेंट्स को मदद मिलती है ठीक है सो ये था आज का वीडियो जिसमें कि हमने टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया अब ये है क्वेश्चन वापस हम उसपे आ गए यहाँ पे देखो फॉर्मेटिव समेटिव क्राइटेरियन नॉन रेफरेंस सब हमने कर लिए अब आप बताओगे इसका राइट right आंसर क्या है एक बार लिस्ट में डेफिनेशन देख लेते हैं परसेंटाइल रैंक एंड स्टैंडर्ड स्कोर आर यूज फॉर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी द अटेंशन ऑफ यूजिंग इज टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट की जा सकती है ये अगर ये भी आपको पता है तो भी आप आंसर दे सकते हो बहुत ईजी है Its is to judge तो कुछ कुछ की हैं जैसे इस स्टेटमेंट में की ये है इस स्टेटमेंट में की ये मास्टरी है इस वाली स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि एक परसेंटाइल रैंक है मैंने अभी लास्ट के दो एग्जाम्पल में आपको बताया कि एक मानदंड हमने सेट कर दिया है तो ये अगर की आपको याद है तो ये आंसर आप फटाफट फड़ दे सकते हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए कोई कंफ्यूजन है कोई क्वेरी है कोई भी डाउट है इस वीडियो को लेकर के इस टॉपिक को लेकर के तो मुझे जरूर बताइएगा मैं आप लोगों की क्वेरी जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द